तो आजमगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस का वज्रपात अभियान जारी है। आपको बता दें पुलिस और बदमाश के बीच इस दौरान मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस की 24 घंटे में 3 मुठभेड़ हुई है। सभी मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। 25,000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार हो चुका है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी से अवैध तमंचा, कारतूस, कार भी बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। थाना फूलपुर में लगभग 11:15 बजे अब्दुल्ला मोडियार के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें वाकिफ नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह बदमाश 25,000 का इनामी था। वह मुकदमा अपराध संख्या 81/23 धारा अंतर्गत 307 व गौवध निवारण अधिनियम में मौर्यपुर थाने से वांछित चल रहा था। इस अपराधी पर 22 मुकदमे पहले से हैं।